Hello, student. This is your social studies class, and we are studying chapter number 8 continents and water bodies. In our last class, we have studied about the continents and our first continent, Asia. Today, we are going to discuss about the second continent, that is Africa. Africa is the second largest continent in the world. First is asia and second largest is africa it lies between the 37 degree north and 35 degree south latitude and between 17 degree west and 51 degree east longitude the three important parallels of latitudes the tropic of cancer the equator and the tropic of capricorn pass मतलब जो अफ्रीका है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और वो हमारा पाया जाता है बिटवीन द थर्टी सेवन डिग्री नॉर्थ एंड थर्टी फाइव डिग्री साउथ की तरफ से लेटिट्यूड पे और कहाँ पे उनके बीच किसके बीच में सेवेंटी डिग्री वेस्ट और फिफ्टी वन डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में ये मैप के अकॉर्डिंग उसके मार्किंग्स हैं साउथ और वेस्ट ईस्ट और नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट के अकॉर्डिंग और थ्री इंपॉर्टेंट पैरल लेटिट्यूड्स हैं इसमें द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास थ्रो अफ्रीका ये अफ्रीका से होते हुए जाते हैं तीनों द प्राइम मैरेडियन टू पासिस थ्रो दिस कंटिनेंट और जो प्राइम मेरेडियन होती है वे भी ये भी ये एक इमेजनरी लाइन है जो हमारे अर्थ के ऊपर हम मानते हैं लाइन है बीच में खिंच हुई और वो भी इस कंटिनेंट से होते हुए जाती है इट इज सराउंडेड बाई ह्यूज वाटर बॉडीज ऑन ऑल फोर साइड और जो ये अफ्रीका है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है द मेडिटेरियन सी प्रेजेंट इन द नॉर्थ नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है इट्स सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम यूरोप ये अफ्रीका को यूरोप से सेपरेट करती है अलग करती है रेड सी एग्जिस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट इसके नॉर्थ ईस्ट में रेड सी आता है द नॉर्थ एशियन सॉरी द इंडियन ओशियन लाइज इन द ईस्ट ऑफ अफ्रीका और जो इंडियन ओशियन होता है वो अफ्रीका की ईस्ट में आता है वाइल द एटलांटिक ओशन इज प्रेजेंट द वेस्ट और अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में पाया जाता है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड रिवर नाइल फॉलोस इन अफ्रीका अफ्रीका में फ्लो करती है जो सबसे लंबी रिवर है हमारी वर्ल्ड की जो कि नाइल है इट इज़ ऑफ इट हैज़ अ लेंथ ऑफ अबाउट सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी किलोमीटर्स लॉन्गेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड जो कि सहारा डेजर्ट है सबसे बड़ा डेजर्ट इज ऑल्सो प्रजेंट इन अफ्रीका वो भी अफ्रीका में ही प्रेजेंट है सबसे बड़ा डेजर्ट पूरे विश्व का पूरे संसार का अब हम पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टीनेंट अब फर्स्ट लार्जेस्ट हमारा एशिया था सेकंड लार्जेस्ट हमारा अफ्रीका तो थर्ड लार्जेस्ट हमारे कॉन्टीनेंट है उसको हम उसका नाम है नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट सेवन डिग्री नॉर्थ टू एटी फोर डिग्री नॉर्थ एटीट्यूड एंड फॉर्म्स अबाउट फिफ्टी थ्री डिग्री वेस्ट टू वन एटी डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड ये इसके पॉर्डिनल पॉइंट्स हैं इट इज बाउंड बाई द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ ये नॉर्थ में आर्टिक ओशन से बाउंड है और द एटलांटिक ओशन इन द ईस्ट ईस्ट में इसके एटलांटिक ओशन है एंड द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट और पैसिफिक ओशन इसके वेस्ट में पाया जाता है द कैरेबियन आइलैंड ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको आर कॉल्ड द वेस्ट इंडीज और जो कैरेबियन आइलैंड है एक आइलैंड है इसके ऑफ़ द गल्फ़ ऑफ मैक्सिको जो कि गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का है आरकॉर्ड द वेस्ट इंडीज़ उसको हम वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं द डेवलप कंट्रीज लाइक यू एस ए जैसे कि यू एस ए है कैनेडा आर द पार्ट ऑफ दिस कॉन्टीनेंट नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टीनेंट का पार्ट है कौन कौन सी यू एस ए एक तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कैनेडा इसी कंटीनेंट का पार्ट है गेट टुगदर फॉर्म्स एंग्लो अमेरिका और मिल के ये बनाते हैं एंग्लो अमेरिका तो स्टूडेंट्स नीचे एक फोटो दे रखी है जिसमें हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स दिए रखे हैं एशिया ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका यूरोप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अंटार्कटिका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सब इसमें दे रखे हैं आप देख सकते हैं सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फ्रॉम टूरिस्ट क्लास आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है दो कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़ लिए हैं क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी सारा है और पढ़ने के लिए और सिलेबस मोस्टली कंप्लीट हो ही चुका है यही चैप्टर तक हमारा क्वार्टरली एग्ज़ाम का क्वार्टरली एग्ज़ाम का मोस्टली सिलेबस रहेगा बाकी जो होगा हम आपको बताएंगे तो स्टूडेंट दस ऑल फ्रॉम टू दिस क्लास और आपको कुछ भी समझ नहीं आया यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर जो मैंने पढ़ा दिया अभी तक टॉपिक्स आप मुझसे पूछ सकते हैं ड्यूरिंग क्लास आवर्स थैंक यू थैंक यू फॉर सिंग थैंक यू स्टूडेंट्स